हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पिरेसोनस का इरिस E4.5 का जो स्टूडियो मॉनिटर है उसकी अनबॉक्सिंग दिखाने जा रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि स्टूडियो मॉनिटर कैसा है और मुझे कितने का पड़ा है और इसकी क्वालिटी कैसी है। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। इसको मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है, ये मुझे करीब 18,000 में पड़ा है। सो हम इसको अनबॉक्स करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सो अभी मैंने नाइफ लिया, इससे मैं इसको वो करूंगा ओपन। तो गाइस अमेजोन ने ये गिफ्ट थैंक यू के लिए कार्ड भेजा है। कुछ नहीं है, खाली है, इसलिए थैंक यू का भेजा है। और ये इसका बिल है जो कि मुझे करीब करीब 18,000 में पड़ा है। ठीक है, सो इसको अनबॉक्स करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये मेनू दिए गए हैं और ये इसकी स्टेप्स है जो कि इसके नीचे रख सकते हैं। तो ये इसका कैसे यूज करना, क्या करना है, इस तरह से इसका ये एक डायरी दी गई है, मेनू इसको बोलते हैं। सो आगे देखते हैं। ये ओपन किया में ये इसकी पावर केबल आई है इसको कनेक्ट करने के लिए, इस तरह से इसके पावर्स हैं। ठीक है, इसको साइड में रखते हैं और हमारे जो मेन है स्टूडियो मॉनिटर उसको देखते हैं। ये इसका पावर प्लग है, ओपन करते हैं। ये है और ये तो ये पैर है, ये 4.5 इंच के हैं। इसको साइड में रख देते हैं, इनको ओपन करके देखते हैं। सो गाइस, ये हमारा मॉनिटर है। देखिए इसके पीछे की साइड ये इस तरह से दिया हुआ है। ये एक दूसरे से यहाँ से इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। और ये वाला इसका पावर है, यानी कि ये मेन है और ये सेकंड है। ठीक है, सो इसका फ्रंट लुक देखिए, ये इस तरह से, ये इसका ऑन ऑफ का है और ये इसका वॉल्यूम है। काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, देखिए पूरा देखिए। देखिए इसका लुक काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी बजट में मिल जाते हैं आपको, करीब 18,000 के अंडर आ जाएगा। सो बेस्ट स्टूडियो मॉनिटर है। सो इसको मैं अभी टेस्ट करके बताता हूँ इसका साउंड कैसे है, इसको प्लग करके बताता हूँ।
इसका मेन पावर है, तो यहाँ पर इसको पावर को कनेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद ये वाला इसमें कनेक्ट कर देते हैं आउटपुट के लिए, ये रेड वाला रेड में और ब्लैक वाला ब्लैक में, और बाकी ये इस वाले मॉनिटर में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है गाइस, सो इसके आउटपुट के लिए ये वाला ले लेते हैं। ये वाला हमारे जहाँ पर भी कंप्यूटर है या आपका मोबाइल है, जहाँ से भी प्ले करना है वहाँ से प्ले को वहाँ लगा देंगे, और ये पिन हम अपने पावर स्विच में लगा देंगे। ठीक है, सो गाइस इसका साउंड है। सो गाइस ये स्टूडियो मॉनिटर काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी अच्छे से साउंड भी आता है, और आप देखिए इसमें ये एक ऑडियो इन और फ़ोन का भी ऑप्शन दे रखा है, और ये वाला है पावर ऑन, ये वॉल्यूम का है, और इसके बैक साइड में देखिए तो बैक साइड में ये जो मेन इनपुट है इसमें ये लेफ्ट राइट यहाँ से आउट का भी दे रखा है इसमें, और यहाँ से डायरेक्ट आप आउटपुट अपने दूसरे स्पीकर को दे सकते हैं, और ये मिडिल और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ये दो ऑप्शन दे रखे, ये लेफ्ट और ये राइट मॉनिटर है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बने रहिए हमारे चैनल पर, ऐसे ही कुछ नई चीज़ें सीखते रहेंगे और नई एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।